वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज गणेश चतुर्थी स्पेशल ब्लॉग है, तो हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का कॉलोनी का आगे में मंदिर है, वहाँ पे बहुत पूजा हो रहा है और गणेश जी का पूजा हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग घूम के आते हैं। चलिए। थैंक यू सर, आपने आज चाय और पति मनोरंजन मनोरंजन सिर्फ इसके लिए आयोजित किया गया है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हम कंपटीशन करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे जीत के, हो सकता है कि इंडियन आइडल ये सारे काम काम चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सबके सब हमारे अपने परिवार के हिस्से हैं। ये बेला परिवार का एक यूनिट है। मेरा नाम पवन प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध मेरा उपनाम है, तो मैं प्रसिद्ध को यथार्थ बदलने की। ये मौसम खेतों खलिहानों जंगल मैदानों को भी बोने का है। ये मौसम पहाड़ों और पर्वतों का पानी झीलों और नदियों में सजोने का है। ये मौसम पेड़ और दीजिए मेरे को प्रसाद। ये मौसम धरती की तपन को अर्पण करने का है। ये मौसम बागों में नए पुष्प खिलने का है। ये मौसम झीलों और नदियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी को जैसे मैं पहले बता रहा था कि आज का जो कार्यक्रम है वो भजन संध्या का है और काफी उत्सुक है यहाँ स्टेज पे आने के लिए, तो अविनाश के लिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अविनाश क्या है बोले? मैं भी यही सोच रहा था कि लगता है आप भूल गए हैं मुझे बुलाना। अरे नहीं अविनाश भाई, आपको कैसे भूल सकते हैं, इतने अच्छे। मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा कपड़ा बोलते हैं इसको, जवाहर कोट? मुझे भी नहीं पता, मैडम को पता होगा। मैडम को पता होगा, चलो कोई बात। सिद्धि के दाता सुनो गणपति, ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। और इसको मैडम आप लोग जैसे भी कंफर्टेबल है, बैठ के या खड़े होकर या जैसे भी आप लोग को सुविधा हो। तो और गणपति जी का दरबार है, तो हम पहले अपना गणपति का भजन ही सुनाएंगे। जोर से बोलिए, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। आप लोगों की आवाज ही है, एक बार जोर से बोलेंगे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। फ्रेंड्स अभी हम लोग घूम लिए, गणेश जी के दर्शन कर लिए, अभी हम लोग चलते हैं रूम चलते हैं। और आज का यहीं से समाप्त करते हैं ब्लॉग को। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, कमेंट भी करेंगे।